राम नाम में रमा अयोध्या, दुल्हन की तरह सजी अयोध्या, भक्ति में डूबी अयोध्या। भव्यता और दिव्यता ऐसी कि लोगों की आंखें चमक उठी। जी हाँ, त्रेता युग में जिस तरह दुल्हन की तरह प्रभु राम की नगरी सजी थी, कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों अयोध्या में देखने को मिल रहा है। 30 दिसंबर यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या पर अभी दुनिया की नजर है। दुनिया भर में लोग पीएम मोदी को देख रहे हैं और पीएम मोदी के साथ साथ करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा होते हुए देख रहे हैं। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जम्मू कश्मीर से एक बड़ा बयान सामने आया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और इसको लेकर सेना की कार्रवाई पर जिन फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा था कि बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है, नहीं तो हमारा हाल भी गाजा और फिलिस्तीन वाला होगा। कश्मीर की तुलना गाजा से करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने अब राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जो बयान दिया, उसे सुनकर लगेगा कि जुबान अब बदलने लगी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मैं मंदिर के लिए प्रयास करने वाले सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। यह अब तैयार है। मैं चाहता हूं कि सभी को बताएं कि भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं है, वे दुनिया के सभी लोगों के हैं। ये किताबों में लिखा है। देखिए उन्होंने आगे और क्या कहा। भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे, भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि विश्व का राम है। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी में, और कहा है हर बार कि जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने की कोशिश करो। कभी ये नहीं कहा उसका धर्म क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी जबान क्या है, वो कहाँ से आता है, बल्कि एक यूनिवर्सल मैसेज दी सबके लिए, सारे विश्व के लिए, एक साथ रहें, तरक्की करें और भाईचारे में रहें। आज जब ये मंदिर खुलने वाला है, मैं सब भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, उस भाईचारे को कायम करिए जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वतन से गायब हो रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से 22 जनवरी को श्री राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29:08 से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30:32 तक चलेगा, यानी 1:24 में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।